कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है एंड नॉर्मली स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी चालू हो गए बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 8,000 या उससे कम के बजट का कोई ऐसा स्मार्टफोन बताइए जिसमें ऑनलाइन क्लासेस लिए जा सके एंड नॉर्मल यूजेस के लिए भी यूजफुल हो स्मार्टफोन। तो मैं इस वीडियो में अगस्त मंथ में 8,000 के नीचे आने वाले 5 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए एंड कौन से 5 स्मार्टफोन है। पांचवें से पहले की तरफ जाएंगे, जो रेटिंग होगी उसके हिसाब से पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया, सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और प्राइस भी बताऊंगा कहां से आप ले पाओगे। चलिए चलते से वीडियो की तरफ, बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। सबसे पहले हम जाएंगे पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C11, अभी अभी लॉन्च हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है। फ्लिपकार्ट पे इसका एक ही वेरिएंट आता है 2GB 32GB, जो कि 7,500 रुपए का है। अब 7,500 में देता क्या है आपको, 6.5 इंच का आपको HD+ का डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। इसके साथ मतलब डिस्प्ले ठीक है उस प्राइस में वैसा ही आता है। इसमें मीडियाटेक का G35 का चिपसेट आता है जो कि अच्छा है उस प्राइस के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी दे देगा। रियलमी UI 2.0 के ऊपर आता है जो कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पर कोई इशू नहीं आएगा। 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, कैमराज भी डिसेंट है, 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है लेकिन आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे 7,500 रुपए में 2GB 32GB। रियलमी C11 मेरी लिस्ट में आता है पांचवें नंबर पे। दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की, ये 8,000 में 3GB 32GB पोको C3, ये भी फ्लिपकार्ट पे ही आता है। अब रियलमी C11 जो है सेम वही स्मार्टफोन है थोड़े से इंप्रूवमेंट के साथ। क्या इंप्रूवमेंट है इसमें, आपको 6.5 इंच का HD+ का ही पैनल आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, तो वहां पे तो कोई चेंजेस नहीं है। मीडियाटेक का G35 का चिपसेट है वो भी सेम है, मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है जो कि MIUI 12 के साथ आएगा, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। कैमरा में एक सेंसर आपको ज्यादा मिलता है 13+2+2 का है, यानी 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर ज्यादा मिलेगा। फ्रंट में अगेन आपको 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है, और Realme C11 में 2GB रैम था, इसमें 3GB रैम है और 32GB स्टोरेज है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं आता, इसीलिए अब इसमें आपको 1GB रैम एक्स्ट्रा मिलता है और कैमरा में एक सेंसर ज्यादा है, इसीलिए आपको 500 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। इसका 3GB 32GB वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे आपको 8,000 रुपए मिलता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारी इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स का N1B, जो पुराना वाला था, इसमें 2 वेरिएंट आए थे। पहला था 2GB 32GB जो कि 7,000 रुपए में आता था, दूसरा है 4GB 64GB जो कि 8,500 में आता है, तो बजट से थोड़ा बाहर चला जाता है, इसीलिए हम लोग 2GB 32GB वाला ही लेंगे। 6.5 इंच का इसमें भी आपको HD+ का पैनल आता है, अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद इसमें आपको मीडियाटेक का G35 का चिपसेट मिलता है, यानी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी रहेगी। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है जो कि स्ट्रॉक एंड्रॉइड यानी क्लीन एंड्रॉइड के साथ आएगा, तो आपको ब्लोटवेयर्स वाले इशू नहीं रहेंगे, जो कि अच्छी चीज है। कैमरा की बात करोगे, रियर साइड पे 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है जो कि बाकी दोनों से बेटर है। इसके बाद इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, 5000mAh की बैटरी है, 10W का चार्जर है, सारी चीजें एक्स्ट्रा देने के बाद भी 2GB 32GB 7,000 रुपए में आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है। प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा है, अगर आप 8,500 तक जा सकते हो तो इसका 4GB 64GB वाला ले लो, वो ज्यादा बेटर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे वीडियो तो 8,000 के नीचे वालों का है, तो इसीलिए इसका 2GB 32GB इसमें आता है नंबर 3 पे। दोस्तों नंबर 2 पे आता है इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले। ये स्मार्टफोन नॉर्मली नंबर 1 पे होता है अगर इसमें स्टॉक एंड्रॉइड देते, वो तो इन्फिनिक्स का जो UI है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने उसको नंबर 2 पे रख दिया है। लेकिन स्टिल बाकी स्पेसिफिकेशन लिटरली इसके कमाल के हैं। इसमें आपको 6.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, HD+ का है, यानी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, देखने में भी स्मार्टफोन काफी अच्छा लगता है, डायमंड कट के साथ आता है। देन इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो इसमें मीडियाटेक का G35 का चिपसेट है, तो वहां पे भी कोई इशू आपको नहीं आएगा, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है जो कि XOS के साथ आता है, थोड़े से ब्लोटवेयर्स रहेंगे, थोड़ा सा XOS का इशू है, अदरवाइज मैं इसको नंबर 1 पे रख देता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और आपको उसके साथ एक डेप्थ सेंसर भी मिलता है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया, जैसे बाकी सब में 5 वाले थे, इसमें 8 मेगापिक्सल का दिया। 6000mAh की बड़ी बैटरी है, 10W का चार्जर है, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट है और आपको इसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, यानी सारी चीजें सिर्फ 8,000 रुपए में, वो भी 3GB 32GB वाला। प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट डील है, देखना चाहते हो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो। दोस्तों अब नंबर 1 पे कौन सा आता है, आप कहोगे मैंने अनबॉक्सिंग की इसलिए मैं नंबर 1 पे रख रहा हूं, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, आप स्पेसिफिकेशन सुनिए उसके बाद बताना। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स N2B का।
स्मार्टफोन 8,000 रुपए में आपको 4GB 64GB रैम और स्टोरेज देता है, कौन सा स्मार्टफोन देता है? कोई नहीं। फ्लिपकार्ट पे है, देखना चाहते हो देख सकते हो। वैसे इसके ऊपर कार्ड वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो सारे ऑफर्स लगा के शायद आपको 7,200 तक मिल जाएगा। जाके जरूर देखिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की बात बता रहा हूँ, उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो फिर अगर आप लेट देखते हो तो आओ क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, लेकिन इसके बाद आपको 6.5 इंच का आपको HD प्लस का पैनल मिलता है, जो कि सब में मिल रहा है, नॉर्मल है। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो इसमें यूनिसॉक का T610 का चिपसेट आता है। अगर इस चिपसेट को परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो ये मीडियाटेक के G70 के बराबर आता है। G70 मालूम है ना, जो कि 10-11 हज़ार के फोन्स में आते हैं, उसके बराबर आता है। या तो स्नैपड्रैगन का 675 मालूम है ना, उसके बराबर परफॉर्मेंस आता है इसका, यानी धमाकेदार है परफॉर्मेंस में भी। उसके साथ ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, यानी क्लीन एकदम, ब्लूटूथ रहेंगे ही नहीं आपको, एकदम क्लीन, कोई इशू नहीं है। कैमरा की बात करोगे, रियर साइड पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आप कह सकते हो थोड़ा कम किया गया है। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करोगे तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। इसके साथ साथ आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है, टाइप सी का पोर्ट है, नॉर्मली इस प्राइस रेंज में नहीं मिलते। देन उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, तो सारी चीजें मिल जाती है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ, सारी चीजें 8000 में, वो भी 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ, जो कि इस प्राइस में कोई नहीं देता, ये चीज याद रखना। एंड प्राइसिंग के हिसाब से मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से सारे स्पेसिफिकेशन देखो तो ये आता है नंबर 1 पे, क्योंकि रैम और स्टोरेज ज्यादा है, देन स्टॉक एंड्रॉइड है, 6000 mAh की बैटरी है, एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बाकी सारी चीजें तो सब में मिल रही है, उसके अलावा ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा इसमें मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से इसको नंबर 1 पे रखता है माइक्रोमैक्स का N2 भी दोस्तों। इसके अलावा रियलमी के सी सीरीज के कुछ फोन है जो 8000 के नीचे आ जाते हैं, थोड़े पुराने, उनकी तरफ देख सकते हो। C11 2021 है, वो भी आ जाता है, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन मुझे थोड़े से अजीब लगे। सैमसंग का M02 है, उसकी तरफ देख सकते हो। देन उसके बाद रेडमी का 9i और 9a, दोनों सेम स्मार्टफोन है, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग नाम से लिस्ट हुए हैं। ये सारे स्मार्टफोन्स भी है, तो देखना चाहते हो उनकी तरफ भी देख सकते हो, और भी स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन मुझे थोड़े कम लगे इनसे। तो आपको कौन सा अच्छा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टे में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों।